तो दोस्तों अब मैं इसको करने वाला हूँ प्रेस। तो एकदम कड़क है तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हमें पानी स्प्रे करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से इसके ऊपर हम पानी स्प्रे करेंगे और थोड़ी देर इनको प्लास्टिक में रख देंगे। बहुत ज़्यादा भी पानी स्प्रे नहीं करना है कि जिस वजह से आयरनिंग करने में दिक्कत हो। ज़्यादा गीला करने से आयरनिंग करते टाइम कपड़े येलो होते हैं दोस्तों। तो ये अभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी इनको कम से कम मैं आधा एक घंटे में प्रेस कर सकता हूँ दोस्तों। ये कुर्ता मैं आपको अच्छे से प्रेस करके दिखाऊंगा कैसे आई लॉन्ड्री ओनर प्रेस करते हैं। थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे बट आपको अच्छे से समझा सकेंगे। तो बस दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये हमारी पैंट जो है ना अच्छे से आयरन हो गई है। अगर आप चाहोगे इस आयरन को किस तरह से आयरन किया जाता है तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि इस तरह की पैंट किस तरह से आयरन की जाती है, उसकी वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा दोस्तों। अभी हम कुर्ता आयरन करने वाले हैं दोस्तों और इसके लिए आयरन के लिए मेरे पास ये आयरन है, डीसन ब्रास आयरन है दोस्तों मेरे पास। अभी मैं स्टार्च के लिए हमेशा यही आयरन यूज करता हूँ, काफी बेस्ट है, हेवी है और उसके बाद में बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में स्पीड में आयरन करता है दोस्तों। क्योंकि स्टार्च कपड़े आयरन करने के लिए ना स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप स्पीड से काम करोगे तो ही ये ज्यादा काम हो पाएगा, क्योंकि ये काम सारा मैन्युअली करना है दोस्तों। और आपने कितने भी अच्छे से केमिकल ले यूज किए, वॉश किए कपड़े, अच्छे से व्हाइट कर दिए, स्टार्च कर दिए, बट आपने अच्छे से अगर आयरन नहीं किए ना तो सब आपका काम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आयरनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग में हम आयरनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि जिससे कपड़ों को अच्छे से फिनिशिंग आए और कस्टमर आपके सेटिस्फाइड हो जाए। तो आयरन का मैंने टेम्परेचर है ना बहुत फुल पे नहीं रखा है, यहाँ पे आएगा तो ये एकदम फुल रहेगा ये। ओके, तो हमें इसको है ना कॉटन लेनिन कॉटन पे सेट कर देना है दोस्तों। तो इसको मैंने लेनिन कॉटन पे सेट कर दिया है, मतलब हमारे कपड़े आयरनिंग करते टाइम येल्लो भी नहीं होने चाहिए। समझो हमने आयरन ऑफ ऑन करके रखा है और हम किसी काम में लग गए तो उसके बाद में ये ऑटो कट हो जाता है और कपड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके जो पॉकेट है ना ये हमें आयरन करना है दोस्तों। ये पॉकेट, दोनों पॉकेट हमने जोड़ लिए हैं इस तरह से। ये कुर्ता है ना तो कुर्ते में दोनों साइड में पॉकेट आते हैं दोस्तों, तो ये पॉकेट आपस में जोड़ के प्रेस कर लेना है। अभी ये कुर्ता अपोजिट साइड में है, मुझे इसको सीधा करना है और उसके बाद में ये जो बटन की साइड होती है ना वो अच्छे से अंदर से प्रेस करनी है दोस्तों। ये दोनों साइड करेंगे हम, प्रेस पट्टी से बोलते हैं फ्रंट वाली। तो ये दोनों हमने अंदर से प्रेस कर दिया, उसके बाद में आ गया आपका कॉलर। कॉलर को भी अच्छे से प्रेस करना है और आप एक बात ध्यान में रखिए कि इस आयरन को आपको दबाना भी पड़ेगा तब जाके कपड़े प्रेस होंगे दोस्तों। प्रेस स्टार्च के कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, मतलब इसको आयरन को थोड़ा सा दबाना भी पड़ता है तब जाके आपके कपड़े अच्छे से प्रेस होंगे। और बहुत ही इत्मीनान से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि कपड़ा जहाँ जहाँ पे अपने प्रेस करोगे ना तो वहाँ वहाँ पे कपड़ा पूरा सूख जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो चलो अभी ये अभी इसको करेंगे हम सीधा। सीधा करने के बाद में इसका शोल्डर प्रेस करेंगे।
और कहीं आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो इसको थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दें। आपने ये आयरन अगर चला लिया ना तो आप कोई भी स्टीम आयरन आराम से चला सकते हो, और अगर आपने स्टार्च का कपड़ा प्रेस कर लिया तो आप कोई भी कपड़ा आराम से प्रेस कर सकते हो। दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए, ये सबसे बेसिक काम है। ये अगर काम आपको अच्छा आता है तो आप कोई भी काम लॉन्ड्री बिजनेस में आयरनिंग का अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों तो ये हमारा शोल्डर है, सिर्फ शोल्डर का इतना ही साइड मारना है, आगे बिल्कुल भी आयरन नहीं जाने देना है, क्योंकि जहां जहां पे आयरन जाएगा ना वहां वहां पे कपड़ा ड्राई कर देगा, और स्टार्च के लिए अगर ज्यादा ड्राई हो गया कपड़ा तो वापस आपकी आयरनिंग सही से नहीं होगी। दोस्तों अभी हमने कप आयरन कर दिए हैं, स्लीव के अंदर से कप आयरन किए दोस्तों, और इसको इस तरह से हाथ डाल के सीधा करना है कपड़ा, मतलब बिल्कुल भी कहीं चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। और ये जब हम ऐसा बिछाएंगे ना तो बिछाने में आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बिछाने के बाद में आप सही से आयरन कर पाएंगे। दोस्तों बिछाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना अच्छे से कपड़ा आप बिछाएंगे उतना अच्छे से आप आयरन कर सकते हो। दोस्तों एक भी यहाँ पे व्रिंकल नहीं रहना चाहिए जब आप आयरन करोगे, तब बिछाते टाइम ही कपड़े को इस तरह से बिछाना है। और दूसरा हाथ भी हमारा एक्टिव रखना है, जहाँ जहाँ पे आयरन जाएगी ना तो उससे पहले आप हाथों से वो कपड़े को सीधा कर सकते हैं। अभी यह हाथ में आयरन है मेरा, तो इस हाथ से मैं कपड़े को सीधा करूँगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेगी, बट आपको अगर अच्छे से समझा सकूँगा ना मैं तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आयरन करूंगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो भी और दिक्कत है। लोग आयरनिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, इवन जहाँ मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी लोग आते हैं ना तो आयरनिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बट यहाँ से जाने के बाद में जब उनका कपड़ा सही से फिनिशिंग नहीं होता है ना तब उनको आयरनिंग का इम्पोर्टेंट समझ में आता है। दोस्तों बट प्रैक्टिस करके तो हो ही जाएगा। और इतना ही खोलना है हमें, यहाँ से यहाँ तक ही खोलना है, बहुत ज़्यादा हमें आगे तक नहीं खोलना है। दोस्तों अब ये हो गया, अब ये जो पॉकेट है ना इनको सीधा कर लीजिए, इसको भी सीधा कर लेंगे, और ये दोनों छोरे ना आपस में सही से मिलाना है। दोस्तों और इस तरह से आयरन भरते जाएंगे, नीचे इसके नीचे का जो लेयर है ना उसको भी सीधा करना है। दोस्तों मतलब रिंकल उसमें भी नहीं आना चाहिए एक भी। और ये जो दूसरा हाथ है ना उसको हमेशा एक्टिव रखना है, इस तरह से कपड़ों को सीधा करने के लिए। और इस आयरन में डिसन ब्रास आयरन में टेम्परेचर कंट्रोल भी है दोस्तों, तो हम जो भी कपड़ा आयरन करेंगे ना उसका पहले हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मतलब कपड़े जलने की या ख़राब होने की डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और नए आयरन अगर आप नए कारीगर हो या सीख रहे हो आप आयरनिंग, तो आपके लिए इसी तरह का आयरन बेस्ट है, आपके हाथों में इसका कंट्रोल होता है। और इसी अगर आपको लेना होगा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन बाय लिंक है दोस्तों, तो जाके आप चेक कर सकते हो और बाय कर सकते हो। दोस्तों
ये हमने आधा जो पार्ट है ना वो अच्छे से प्रेस कर दिया है। अभी हम ये साइड प्रेस करेंगे अच्छे से। अभी रहा ये फ्रंट साइड, इसको इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। ये अच्छे से आयरन हो गया है, इसके बाद में ये साइड भी अच्छे से करेंगे। तो भी इसको पीछे से भी आयरन कर देंगे दोस्तों। थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है मैंने यहाँ पे। भी आप देख पा रहे होंगे तो इसको मैंने यहाँ से मोड़ दिया है दोस्तों, और इस स्लीव को है ना इस तरह से। ओके, मतलब आयरन करते टाइम भी हमारा, फोल्ड करते टाइम भी आयरन हमारी खराब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्लॉथ, जिसको हमने अच्छे से आयरन कर दिया है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। और हाँ, ये आयरन अगर आपको लेना होगा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑनलाइन बाय लिंक है, तो जाके चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। मैं काफ़ी महीनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ,
काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है और स्टार्च के कपड़े में इसी से आयरन करता हूँ दोस्तों। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूजफुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।